एक बार पहन कर देख लीजिए, कहीं फिटिंग में ऊंच नीच ना हो जाए। ट्रायल रूम इधर ही तो है। ये जो ब्लाउज है ना, इसके नाप का ये सिल दीजिएगा। भाभी जी, ब्लाउज के माप से ब्लाउज सिलवाएंगे तो फिटिंग गड़बड़ आ जाती है। मैं अभी नाप ले लेता हूँ। अगर आप ब्लाउज के फिटिंग से खुश हैं, तो आकर हमें भी खुश कर दीजिए। दिमाग खराब है क्या तेरा? हम तो आपको चाह रहे हैं। अब आप बताइए, इस वीडियो को इस मोबाइल तक रहने के लिए आपको क्या क्या करना होगा वो मुझे बताना पड़ेगा क्या? इसलिए जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करो। ये क्या सिल के दिए हो? हाँ हो गया दिव्या मैडम, सिलाई में कुछ खराबी है क्या? फिटिंग, इसे फिटिंग कहते हो आप? ऐसे कोई ब्लाउज सिलता है क्या? ना गले का पता है ना बाजू का पता है, कुछ छोटा कुछ बड़ा। मैंने तो पहले ही कहा था, ब्लाउज के माप से अगर ब्लाउज सिलाइएगा तो फिटिंग खराब आएगी। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, फिटिंग हमेशा बॉडी के माप से होनी चाहिए। भैया आप कुछ भी बोल रहे हो। दिव्या जी, आप ये बताइए, ये ब्लाउज आपने कब सिलवाया था? पिछले साल। मैं तो कह ही रहा हूँ कि अगर ब्लाउज के माप से सिलाई कराइएगा तो फिटिंग खराब आएगी। मेरी क्या गलती है? सही बोल रहे हैं भैया, गलती तो मेरी है ना कि आपके यहाँ पर मैंने ब्लाउज सिलवाया। एक तो आपने कपड़े खराब किए, ऊपर से मेरी साइज को लेकर आप कुछ भी बोल रहे हो। दिव्या जी आप नाराज मत होइए, आप अभी अपने बॉडी का माप दे दीजिए, फिर मैं एक नया ब्लाउज सिल के आपको दे देता हूँ, वो भी बिल्कुल मुफ्त। ठीक है, आप मेरा माप ले लो, लेकिन मैं ऊपर से एक रुपया नहीं दूंगी। अपना रुपया रख अपने पास, तेरा साइज जानबूझ के खराब किया था मैंने, ताकि तेरा माप और मजे दोनों ले सकूं मैं। कहाँ खो गए हो? माप लो। हाँ हाँ, ऊपर खींचे। लिखोगे नहीं क्या? मेरा तो रोज का काम है ना, मुझे याद रहता है। भाई साहब, आपके लोन की ईएमआई कब तक भरोगे? कब तक मिलेगा? 2-3 दिन में आ जाइए और यहीं पे ट्रायल कर लीजिएगा, आपकी फिटिंग मस्त आएगी। चलो ठीक है, मैं 2 दिन में आती हूँ। 2 दिन बाद ब्लाउज का ट्रायल और 3रे दिन तुम्हारा ट्रायल। हमारा भी नाप ले लो। बड़े दिन हो गए, तुमने नापा ही नहीं। काजल तुम यहाँ अचानक क्यों? तुम तो अपनी काजल को भूल ही गए, तो मैंने सोचा मैं खुद ही आ जाऊं तुमसे मिलने। किसने कह दिया मैं तुम्हें भूल सकता हूँ? तो फिर चलो ले लो मेरा नाप और ऐसा ब्लाउज सिल लो कि लोग देखते रह जाए। तुम्हारा माप तो मेरी आंखों में है, रात दिन देखते रहता हूँ इंस्टाग्राम पे। गर्लफ्रेंड सामने है और तुम नाप इंस्टाग्राम पे ले रहे हो। तुम ही कहते हो ना लड़की की बॉडी रोज बदलती है, तुम्हारे बिना हमारी बॉडी हर एक मिनट बदलती है। तो चलो देख लो क्या बड़ा है और क्या कम हुआ है। ऐसे घूर घूर के क्या देख रही हो? वही जो तुम देख रहे हो। मैं तो अपनी आंखों से तुम्हारा माप ले रहा हूँ। एक बात कहूँ? बोल। अब तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ और तुम्हें छोड़कर कहीं जाने भी नहीं वाली, तो वो वीडियो
जब तक तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, बस इसी तरह आते रहा करो बिना बुलाए और मुझे खुश कर दिया करो। फिक्र करने की बात नहीं है, तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है। अरे ऐसे बेवक्त कौन आ गया? तू यहीं रुक, मैं आता हूं। अरे तो तू है मनहूस, कितनी बार मना किया है बिना कॉल किए मेरे दुकान पे मत आया कर, मत आया कर। अरे जब जब तू दुकान पे आती है ना धंधा खराब हो जाता है। तुझसे शादी करेगा तो किस्मत ही फूट गई मेरी। आप टिफिन लाना भूल गए थे वही लाए। अरे तो भूखा मर जाता क्या? तुझे किसने लाने के लिए कहा था? गलती हो गई, माफ कर दीजिए। ये कौन है और अंदर क्या कर रही थी? माफ के लिए आई थी। माफ तो यहां भी ले सकते थे। जितनी औकात है उतनी ही बात किया कर। ऊपर वाले ने ये मुंह खाने के लिए दिया है, बोलने के लिए नहीं, इसलिए ये मुंह मेरे सामने मत चलाया कर। और अपना मनहूस मुंह लेके मेरे दुकान पे मत आएगा। मेरे सामने अगर मुंह खोला ना तो जान से मार दूंगा तुझे मैं। बाद में आती हूँ ड्रेस लेने। देखा ना देखा ना, ग्राहक भगा दिया ना तुमने, देखा? अब यहाँ खड़े खड़े क्या करेंगे? दबा जाओ। सर आपका लोन। प्रिया यार कितना टाइम लगेगा? और बस भाभी 5 मिनट में पहुंच जाएंगे, आप चलो तो सही। क्या जरूरत थी इतने दूर के टेलर से अपना सूट सिलाने की? भाभी इसके जैसा टेलर ना आपको पूरे शहर में नहीं मिलेगा। मेरी एक दोस्त ने इसे सूट सलवार सिलवाया था, तारीफ करते थकती नहीं। और मेरे कॉलेज की जितनी भी फ्रेंड्स है ना सारी की सारी इसकी इतनी तारीफ करती है, इसकी सूट सलवार इसकी फिटिंग। भाभी मैंने भी सोच लिया कि मैं भी इसे एक सूट सलवार बनवा लूं। भाभी मैं तो कहती हूँ कि आप भी इसे 4-5 ब्लाउज सिलवा लो, फिर देखना आप भी शहर के सारे टेलर को भूल जाओगे। अच्छा बड़ी तारीफें कर रही है तू इसकी। नाम क्या है इस टेलर का? भाभी नाम तो बड़ा ही रोमांटिक है। रोमांटिक? क्या नाम है? साजन लेडीज टेलर। साजन? ये कैसा नाम है? ऐसा ही नाम है भाभी। चलो चलो सीधे सीधे। ओके हाँ हाँ ठीक है ठीक है। ये है साजन लेडीज टेलर। आओ। भैया मेरा सूट रेडी हो गया क्या? हाँ रेडी, मैं ला के देता हूँ। चलो नया शिकार करने का टाइम आ गया। लग रहा है ना एकदम मस्त। सच कह रही है तू, लेकिन जल्दी कर तेरे भैया आते ही होंगे। हाँ भैया इसको पैक कर। एक बार पहन कर देख लीजिए कहीं फिटिंग में ऊंच नीच ना हो जाए। अरे नहीं भैया मैं घर जाके चेक कर लूंगी, और वैसे भी आपके फिटिंग में किसी को भी शक हो सकता है क्या? बात तो सही है लेकिन फिर भी 19-20 हो जाए, ट्रायल रूम इधर ही तो है। ठीक है भाभी सही कह रहे हैं ये, मैं यूं गई और यूं आई। एक काम करिए आप भी अपना मेजरमेंट दे दीजिए। देखिए ये जो ब्लाउज है ना इसके नाप का ये सिल दीजिएगा। एक का शिकार हो गया और दूसरी तैयार है। चलो पहले इसके जिस्म से थोड़ा खेल लूं। भाभी जी ब्लाउज के माप से ब्लाउज सिलवाएंगे तो फिटिंग गड़बड़ आ जाती है, मैं अभी नाप ले लेता हूँ। क्या मस्त फिटिंग आई देखना। लेकिन मैं तो ऐसे ही सिलवाती हूँ हमेशा, और फिटिंग भी बहुत सही आती है। भाभी जी सही और अच्छे में बहुत फर्क होता है, 3 लोगों से कभी बात छिपाते नहीं, एक वकील, दूसरा डॉक्टर और तीसरा टेलर। अब डॉक्टर से बात छिपाई तो तबीयत खराब, वकील से बात छुपाई तो केस खराब, और टेलर से बात छिपाई तो फिटिंग खराब। लॉजिक तो बड़ा सही लगाया है आपने, तो ठीक है आप ले लीजिए ना।
और तू यहाँ खड़े खड़े क्या कर रही है? जल्दी जा, चेक करके आ। हाँ मैं यूं गई और यूं आई। चलिए आप जल्दी से नाप ले लीजिए। हेलो भाई साहब, आपका लोन। अरे हाँ, मैंने 1 करोड़ के लोन के लिए अप्लाई किया था। अरे 60-70 लाख से काम नहीं चल रहा है। अब मॉल में दुकान खोल रहा हूँ तो इतने कम में काम नहीं चलेगा। 1 करोड़? अबे जो तुमने 7 लाख का लोन लिया है उसकी सारी EMI ड्यू हो चुकी है। क्या हो जाएगा है? ये बैंक वाले भी ना, बस इनको पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टी लेने वाला हूँ। फिर फोन पे फोन, लोन ले लीजिए सर, लोन ले लीजिए। आप इतने फेमस हैं, तो आपको मॉल में शॉप खोलने की क्या जरूरत है? देखो भाभी, क्या मस्त ड्रेस बनाई है ना। अरे तू तो सच कह रही थी, फिटिंग तो बड़ी अच्छी है तेरी। थैंक यू सो मच भैया, क्या ड्रेस बनाई है आपने। और मैं अपना ब्लाउज लेने कब आऊँ? कल शाम को आ जाइए, मैं कॉल कर दूंगा आपको। आप नंबर लिख दीजिए इस पे। ठीक है भैया, थैंक यू। वाह, क्या खूबसूरती है। जिंदगी में एक ही काम सबसे अच्छा किया है मैंने, कि मैंने ये काम चुना, साजन लेडीज टेलर। जिसे मर्जी छूं, जैसे मर्जी अपना शिकार बनाऊं। मुझे चाय। क्या देख रहे हैं? अरे तुम्हें कितनी बार मना किया है मैंने, मेरे सामने मुंह मत खोला करो, मत खोला करो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो बोलना है। रोज पिटने की आदत हो गई है ना तुम्हारी, खाना हजम नहीं होता तुम्हारा। अब कर दीजिए, माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गया, गलती से पूछ लिए। दफा हो जाओ, दूसरी चाय बना के लाओ। अरे मूड खराब कर दिया यार, अब कुछ तो इंतजाम करना पड़ेगा। हेलो हेलो, हेलो, हेलो हेलो, पागल पागल हो क्या? जब बात नहीं करनी तो कॉल क्यों कर रहे हो बार बार, बदतमीज। ए यार, गुड्डी, पूजा की थाली तैयार है। जी आ रहे हैं। ये काम ढंग से नहीं होता है तुमसे, पूरे दिन घर में करती क्या हो तुम? आपके लिए खाना बना रही थी। तुम्हें पता है ये काम हर रोज का है, तो समय पे क्यों नहीं किया? बस ला रहे हैं। इससे शादी करके ही गलती करती मैं। अरे लाओ जल्दी। ला रहे।
मंदिर में दिया तक नहीं जलाने आता ऐसे ही से तुम्हें कर दिया ना शगुन। तू ना तू मुझ पे बोझ है और मैं ना ये बोझ ज्यादा झेलूंगा नहीं। सुधर जाओ वरना मेरे हाथों मारी जाएगी तू। तो दुकान के लिए देर हो रही है पर नाच के आज तेरा इलाज कर देता। हेलो करके फोन नहीं काटना और ना ही कोई फालतू की बात करना। तुमने जो 7 लाख का लोन लिया है 15 दिन में चुका दो। अगर तुमने 7 लाख का लोन 15 दिन में नहीं चुकाया तो कोर्ट से ऑर्डर लाके तुम्हारी दुकान जब्त कर लूंगा। अब से सिर्फ तुम्हारे पास 15 दिन बचे हैं। इतने जल्दी मैं इतने पैसे कहां से लाऊंगा यार। हेलो मेरा फोन काट दिया। कुछ तो करना पड़ेगा। तो वही नंबर है जिस नंबर से बार बार रात में कॉल आ रहा था। हेलो कौन? क्यों बार बार परेशान कर रहे हो? लगता है तुम्हारी कंप्लेन ना पुलिस में करनी पड़ेगी तब जाके तुम्हारी जुबान खुलेगी। मैडम जी हम साजन बोल रहे हैं, लेडीज टेलर। अरे साजन जी आप, मुझे लगा कि कोई मुझे परेशान कर रहा है, लेकिन ये बताइए बार बार कॉल क्यों कर रहे हैं आप? लो कर लो बात। अब हमने आपको इतनी बार कॉल किया, आपने मुस्कुरा कर एक बार भी पूछा कौन हो? अरे इसमें मैं क्यों मुस्कुराऊंगी? मतलब आपने हमारा नंबर सेव नहीं किया? आप कैसी बात कर रहे साजन जी, मैं आपका नंबर सेव क्यों करूंगी और मुझे क्या जरूरत पड़ी है? तो अब कर लीजिए, बहुत जरूरत पड़ने वाली है हमारी। कहना क्या चाहते हैं? अरे आप समझ नहीं रही हैं, हम कहना नहीं चाह रहे हैं, हम तो आपको चाह रहे हैं। इसलिए आप जल्दी से आ जाइए दुकान, आपको आगोश में लेना है अपने। अब आप बच्ची तो है नहीं कि सारी बात समझाएंगे हैं? क्या बकवास कर रहा है तू? तेरा दिमाग ठिकाने पे है या नहीं? बकवास नहीं कर रहे हैं हम, तो बस इतना कह रहे हैं कि आप बहुत खूबसूरत हैं और हम भी हैं खूबसूरत, तो बात करना मिलना जुलना तो हो ही सकता है ना। दिमाग खराब है क्या तेरा? अपने औकात में रहकर बात कर। अब दिमाग खराब है या ठीक है ये तो दुकान में आके देख लीजिए, और औकात भी। तू वही रुक, वही औके तरह मुंह तोड़ती हो। ले आ गई। क्या कह रहा था तू फोन पे? प्रिया जी आपके हाथ बहुत नरम है, दिखाइए जरा, कहीं चोट तो नहीं लग गए? लेकिन अब जब आप आ ही गई हैं ना तो एक चीज दिखा, शायद उससे आपका गुस्सा शांत हो जाए। अब आप बताइए इस वीडियो को इस मोबाइल तक रहने के लिए आपको क्या क्या करना होगा वो मुझे बताना पड़ेगा क्या? ए, मैं डरती नहीं ऐसे वैसे वीडियो से, पढ़ी लिखी लड़की हूँ, समझ में आया? आप पढ़ी लिखी हैं, लेकिन ये समाज भी पढ़ा लिखा है, और जब मैं ये वीडियो फैलाऊंगा तो फिर यही पढ़ा लिखा समाज छुप छुप के आपके मजे लेगा, चाहे वो आपके दोस्त हों, कलीग हों, रिश्तेदार।
आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज ऐसा मत करो, मैं माफी मांगती हूँ। आपको थप्पड़ मारा उसके लिए। मैं एक बात बताऊँ, मुझे कल रात से नींद ही नहीं आई। जब भी आँख बंद करता हूँ ना, तो ये आपकी खूबसूरती नजर आती है मुझे। ऐसे तो नहीं जाने दूंगा, मेरे सामने रोने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करो। चल अब बता क्या हुआ है। जब से कॉलेज से आई है मैं देख रही हूँ ऐसी ही गुमसुम सी बैठी हुई है, कोई बात है तो बता। प्रिया, प्रिया क्या हुआ है? देख तुझे इस तरीके से परेशान देखकर ना मुझे भी परेशानी हो रही है। और देख मैं तेरी भाभी बाद में, दोस्त पहले हूँ ना, तो बता क्या है, कोई बात है तो मुझे बता ना। भाभी वो तेरे भैया है, मैं देख के आती हूँ। नहीं डर क्यों लगा लेते दरवाजे खोलने में? प्रिया कहाँ है? वो अपने कमरे में है, थोड़ी परेशान सी लग रही है। परेशान? ये लड़की भी ना छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाती है। कोई नहीं, कॉलेज में किसी से कहा सुनी हो गई होगी, कुछ देर में ठीक हो जाएगी। ठीक है, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। हाँ चाय बना दो, बहुत थक गया हूँ। एक्चुअली शाम को एक मीटिंग में जाना है। ओके। हाँ मैं शाम को आती हूँ ना। जी भाभी को सब कुछ बता देना चाहिए। हाँ
हाँ सर। भाभी सॉरी सर। जी जी सॉरी सर, मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ। जी जी सर, मैं 20 मिनट में पहुँच रहा हूँ सर। जी सर, आप मीटिंग शुरू कर दीजिए। जी जी, क्या है? देख रही हो मैं कॉल पे हूँ, पीछे से आके चिल्ला रही हो भाभी भाभी। टेलर के पास गई है, आती होगी थोड़ी देर में। कितने कपड़े सिलाते हो तुम दोनों? पहनती तो हो नहीं, एक दो ही पहनती हो। दरवाजा लगा ले, मैं मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। साजन जी, अगर मेरा ब्लाउज हो गया हो तो दिखा दीजिए। हाँ बिल्कुल तैयार है, मैं लेके आता हूँ। ये लीजिए, आप ट्राई करके देख लीजिए। नहीं, मुझे एक्चुअली देर हो रहा है, और आपने तो नाप लेकर बनाया है ना, तो फिटिंग सही ही होगा। नहीं, बात तो आपकी सही है, लेकिन फिर भी कोई ऊंच नीच हो गई तो अभी ठीक करके दे दूंगा, वरना उतनी दूर से वापस आना पड़ेगा। कह तो आप सही रहे हैं, ठीक है मैं कर लेती हूँ। ठीक है। साजन जैसे घृणित और चरित्रहीन लेडीज टेलर को किसी का कोई डर नहीं होता। वो अपने ग्राहकों की अश्लील वीडियो बनाकर उनकी इज्जत के साथ हर रोज खिलवाड़ करता था। नमस्कार, मैं हूं रवि किशन और आपका स्वागत करता हूं क्राइम फाइल्स के इस एपिसोड में। प्रिया ने कभी सोचा भी नहीं था सपने में एक लेडीज टेलर के पास जाकर कपड़े सिलवाना उसके लिए कितना खतरनाक साबित होगा। इस लेडीज टेलर ने उसका अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने लगा। क्या प्रिया अब खुद को इस अश्लील लेडीज टेलर के अत्याचार से बचा पाएगी? आइए देखते हैं। साजन जी, आपने बहुत अच्छी फिटिंग बनाई है, आपके हाथों में तो सच में जादू है। चलिए प्रिया।
हेलो हेलो भाभी जी, हम साजन बोल रहे हैं, लेडीज टेलर। हाँ जी बोलिए। आप ब्लाउज के फिटिंग से खुश हैं? खुश है मतलब? मेरा कहने का मतलब है, अगर आप ब्लाउज के फिटिंग से खुश हैं, तो आकर हमें भी खुश कर दीजिए। क्या बकवास कर रहे हो तुम? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? वो तो ठीक है या नहीं है दुकान आके पता लग जाएगा, और आपके पास सिर्फ एक घंटे का समय है। नहीं यार, एक घंटे में क्या हो जाएगा? आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, आपके ब्लाउज की फिटिंग पूरा शहर देखेगा, और मुझे लगता है ये आपको अच्छा नहीं लगेगा। लो आ गई मैं। और क्या धमकी दे रहे थे तुम मुझे फोन पर? जो तुमने बदतमीजी मेरे साथ फोन पर की है ना, उसके लिए मैं पुलिस को बुला सकती हूँ। बुलाओ मैं पुलिस। मैं तो डर गया। बुला लो, लेकिन उससे पहले मेरे फोन में कुछ देख। आप तो समझदार हैं, समझ गए होगे। मैं चाहूं तो ये वीडियो वायरल करके आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकता हूं, मैं चाहूं तो आपकी इज्जत भी लूट सकता हूं, लेकिन आप वो पहली औरत हो जिसको मैं अपनी इज्जत लूटने से बचने का मौका दे रहा हूं। कैसा मौका? मुझे 7 लाख रुपए चाहिए, वो भी 7 दिन में। और अगर 7वें दिन मेरे अकाउंट में 7 लाख रुपए नहीं आए, तो 8वें दिन ये वीडियो शहर के हर मोबाइल में चल रहा होगा। वैसे बिना पल्लू का ब्लाउज काफी जच रहा है आप पे। भाभी, भाभी, आप ठीक तो हो ना? कोई बदतमीजी तो नहीं की ना इस आदमी ने आपके साथ? ले जा। और आपके पास सिर्फ 7 दिन है, याद रखिएगा। भाभी आप ठीक तो हो ना? कुछ किया तो नहीं ना इस बदतमीज ने? जी नमस्ते। नमस्ते, बताइए। मैं AKI स्कूल से आई हूँ, हमें अपने स्कूल की लड़कियों के लिए ना आपसे यूनिफॉर्म बनवानी थी, क्या आप बना देंगे? जी जरूर बन जाएगी। आपके स्कूल में वैसे कितनी लड़कियां हैं? 500 लड़कियां हैं। 500 लड़कियां मतलब 500 यूनिफॉर्म। दरिंदे ने मेरी जिंदगी खराब कर दी, मैं गड़गड़ाती रही उसके पास, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी और मेरे साथ। प्रिया संभालो खुद को, तुम ऐसे हौसला नहीं हार सकती, हम दोनों को मिलकर इस जंजाल से निकलना पड़ेगा। लेकिन भाभी क्या होगा, ना तो हम पुलिस कंप्लेंट कर सकते हैं, ना ही भैया को बता सकते हैं। भाभी हमारे सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। पता है प्रिया, जब कहते हैं ना कि जीवन में सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब भी कोई ना कोई रास्ता जरूर खुला होता है, बस हमें मिलकर वही रास्ते को ढूंढना है। और तुम हौसला मत हारो, तुम्हारी भाभी है ना तुम्हारे साथ। Thank you.
मैं सिर्फ अपनी प्रिया को इंसाफ दिलाना चाहती हूँ। उसने इसकी इज्जत लूटी है। आप हमारी मदद कीजिए, आप उसकी बीवी हैं, आप कर सकती हैं। कैसी बीवी? साजन की पूरी सच्चाई को हम जानते हैं, वो इंसान नहीं दरिंदा है। कुछ साल पहले हम भी साजन के पास कपड़े सिलवाने आए थे और हमारा वीडियो बनाकर जबरदस्ती हमसे शादी कर लिया, और इस सदमे को हमारे पापा बर्दाश्त नहीं कर पाए। इस दुनिया में सिर्फ हम अकेले हैं और इस दरिंदे के जाल में फंसी पड़ी हूं। ये इंसान तो सच में जानवर से भी बदतर है। बहुत बुरा हुआ आपके साथ। आप लोग यहां से चले जाइए। अगर वो आप दोनों को ऐसे साथ देख लिया तो हमें बहुत मारेगा। हम दोनों आपके साथ हैं। अगर उसने कुछ भी करने की कोशिश की तो हम दोनों पुलिस को कॉल कर लेंगे। आपकी हम कोई मदद नहीं कर सकते। आप जाइए प्लीज यहाँ से। आप लोग को नहीं पता है कि अगर उसको पता चल गया तो मुझे जान से मार देगा। आप घबराइए मत। आप किसी भी तरह से उसका फोन चुरा कर हमें दे दीजिए, बाकी का काम हम दोनों खुद ही कर लेंगे। हम दोनों आज रात आपके घर के बाहर ही रहेंगे। आप दोनों अभी तक जानते नहीं साजन कितना बड़ा दरिंदा है। हम ये नहीं कर पाएंगे। दीदी आप मेरे लिए ना सही, स्कूल की उन मासूम बच्चियों के लिए तो मदद करिए। दीदी अगर वो अपने इस प्लान में सक्सेसफुल हो गया ना तो न जाने कितनी मासूम बच्चियों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। प्लीज प्लीज हमारी मदद करिए। आप हमें समझाने की कोशिश मत कीजिए। आप लोगों को नहीं पता कि हम अपनी मदद खुद नहीं कर पाए। इतने सालों में आपकी मदद क्या करेंगे हम। अब जाइए यहाँ से, जाइए। प्रिया खुद को तो इस अश्लील लेडी स्टेलर के शिकार होने से नहीं बचा पाई, लेकिन अपनी भाभी की इज्जत को बचाने के लिए उसने काफी हिम्मत से काम लिया। साजन अपने अपराध में एक बार फिर से कामयाब हो गया था, लेकिन देखने वाली बात है क्या अब अर्चना और प्रिया मिलकर इस पाप का अंत कर पाएगी, या फिर साजन नाम के इस अश्लील लेडी स्टेलर का घिनौना खेल इसी तरह चलता रहेगा, क्योंकि इस बार उसका शिकार है एक स्कूल की बच्ची जो अपने यूनिफॉर्म की ड्रेस सिलवाने उसके पास आने वाली थी। आइए देखते हैं क्या होगा। खाने में क्या बना है आज? बैंगन की सब्जी रोटी। अरे मनहूस, कभी तो पनीर वनीर बना लिया कर। वैसे आज हम बहुत खुश हैं। पूछेगी नहीं क्यों खुश हैं? क्यों? स्कूल से एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया है, बहुत पैसे आने वाले हैं। चल तू मेरे लिए शराब का पैक बना, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूं।
वीडियो डिलीट कर दी। नारी शक्ति, क्या कमाल का काम किया है तीन नारियों ने मिलकर। लेकिन मुझे बेवकूफ समझ लिया, ये वीडियो तो डिलीट कर दिया, लेकिन जो बैकअप है उसको कैसे डिलीट करोगे? तुम चाहे कहीं भी बैकअप छुपा के रखो, हमें नहीं मालूम, लेकिन तुम्हारी दुकान पे जैसे पुलिस वाले जाके तुम्हारा कैमरा पकड़ेंगे ना, तुम्हारी सारी अक्ल और तुम्हारी जुबान ठिकाने आ जाएगी। गुड आइडिया, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है, पुलिस को बताएगा कौन? तुम? तुम? इसके लिए तो बाहर जाना पड़ेगा ना। चलो मैं ठीक हूँ प्रिया, तुम जाओ। नहीं नहीं, तुम पुलिस को फोन कर दो। नहीं भाभी, मैं आपको छोड़ के थोड़ी जाऊंगी। चलो तुम जाओ, मैं उठो प्रिया, तो मुझे पकड़। हेलो, मैं एक बात सोच रहा था, अब तुम तीनों जिंदा रहोगी तो मुझे तो दुखी दोगी। मैं काम करता हूं, रुको। वैसे तुम तीनों गीले होके बहुत खूबसूरत लगते हो। अरे गुड्डी, गीली होके तू भी इतनी खूबसूरत लगती है, मुझे तो आज पता लगा। भाभी जी, अगर आज मुझे जल्दी नहीं होती ना तो आप जिंदा होते और मेरे बिस्तर में होते, लेकिन अफसोस यमराज निकल चुका है। रुक जा, भागने कोशिश मत करो वरना गोली मार दूंगा। हवलदार, गिरफ्तार करो। यस सर, चलिए चल। पुलिस को किसने बुलाया? जल्दी आ जाए, हमारी जान को खतरा है, हम अभी लोकेशन भेज रहे हैं आपको। जी सर। ले जाओ इसे, लेके चलो। तो देखा आपने, नारी शक्ति का असली रूप, जब नारी शक्ति ठान ले
तो मिलकर अपने हो रहे अत्याचार पर अपने आप पर उसको रोक सकती। ऐसा ही किया अर्चना और प्रिया ने साजन नाम के लेडीज टेलर की बीवी के साथ मिलकर। काश ये कदम टेलर की बीवी गुड्डी ने पहले उठा लिया तो आज प्रिया और अर्चना की आबरू नहीं लूटी जाती। किसी भी अपराध को सहन करने से अच्छा है उसका डट कर मुकाबला करना, क्योंकि आखिर में जीत याद रखना सच्चाई की ही होती है। इसी सोच को आपके साथ छोड़कर मैं लेता हूं आपसे विदा। मिलूंगा आपसे क्राइम फाइल्स के अगले एपिसोड में। दिल दहलाने वाला ही एपिसोड होगा आप जानते हैं। तो रहें खबरदार और बने होशियार, देखते रहें क्राइम फाइल्स। जय हिंद, भारत माता की जय। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम इशारा।